तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जहाँ मैं पिछले व्लॉग में जाना था ले पैलेस, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ से नीचे उतरते वक्त। तो अभी मैं जा रहा हूँ माल रोड की तरफ। ये मॉल रोड की तरफ का व्यू है। ये इधर पूजा फोटो कर रहे हैं। और ये देखिए, ये भी आई थिंक मॉल रोड में ही आता हो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे, और ये है यहाँ का मॉल रोड। वैसे तो मॉल रोड को आप अगर रात में एक्सप्लोर करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जो मॉल रोड कहीं का भी आप एक्सप्लोर करो, रात में करो, बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में मॉल रोड। फिर भी हम आपको दिन में मॉल रोड एक्सप्लोर करवाते हैं। ये देखिए लेह का मॉल रोड है ये। तो ये देख सकते हैं मॉल रोड साइड में दुकानें, और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चीज खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बीच बीच में जो दुकानें ना, ये सब खाने वाने की, और फिर यहाँ रुक भी सकते हैं वैसे। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं। आई लव लद्दाख। तो अभी हम मॉल रोड से आगे आ चुके हैं। जो ले पैलेस की तरफ जाने वाले रास्ता है ना, उसका ये गेट है। और ये देख सकते हैं एक चौक पे, मतलब चौराहे टाइप का है, यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, और बाकी साइड साइड में दुकानें लगी हैं। तो दोस्तों हम मॉल रोड थोड़ा घूमने के बाद वापस से आ चुके हैं अपने कैंपिंग लोकेशन पे, क्योंकि वो घूमने के बाद ना बारिश शुरू हो गई। फिर हमने सोचा कि पहले कैंपिंग लोकेशन उसके आसपास देख लेते हैं, तो उसके आसपास कोई कैंपिंग लोकेशन थी नहीं, सारे पब्लिक प्लेस थे। और अगर हम वहाँ कैंप भी लगाते ना, तो फिर या तो रात के 12-1 बजे तक जगना पड़ता उसके लिए, जब लोग सब लोग चले जाते तब हमको लगाना पड़ता, और बारिश भी हो रही थी। तो हमने सोचा फिर से जहाँ पे पहले कैंप किया था पहले दिन, वहीं आज भी कैंप करेंगे। तो हम वापस से वहीं आ चुके हैं, और ये बन रही है कॉफी। और कॉफी जैसे ही बनती है उसके बाद पीते होते हैं, फिर आज रात को मैगी वगैरह बनाएंगे खाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे कॉफी वगैरह पीने के बाद, तो क्योंकि और बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, तो इस वजह से थोड़ा सा बुलवाऊं झूठ। 14 डिग्री है, 14 डिग्री बाहर निकल, देख कितना हवा चल रहा है। तो भाई डिग्री 14 वो छोड़ दो, हवा जो चल रही है ना ठंडी ठंडी, वो ज्यादा परेशान कर रही है। और ये देख सकते हो लिप्स हम लोग सिर्फ उसी की वजह से फटे पड़े हैं। और इसके देखो, तो अभी कॉफी पीते हैं, उसके पी के आपको बाहर चलते हैं, थोड़ा यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको, घुमाते हैं बाहर भी। अभी हमारी कॉफी बन के रेडी हो चुकी है, और अब हम एक एक ग्लास पूरा भर के कॉफी पियेंगे। और इनका देखो भाई साहब, ये फिर से वापस से वहीं रख देते हैं। तो ये हमारी कॉफी बनके रेडी हो गई है, और अरे भगौना कहाँ से आ गया ये देखिए भगौना, भगौना। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, इंडस्ट्री गर्ड के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, वो बहुत ही पुराना ब्रिज है लकड़ियों का, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तो वो आपको दिखाते हैं, और थोड़ी देर थोड़ा टाइम वहाँ बिताएंगे, फोटो वगैरह खिंचाएंगे, और थोड़ी सा व्यू भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं ये नया अभी ब्रिज बन रहा है, और वो वाला है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी आप वो जगह देख रहे हैं सामने वाला, वो धूप निकला हुआ है, देख रहे हैं पूरे पहाड़ पे सिर्फ वही जगह है जहाँ पे धूप निकला हुआ है थोड़ा सा। और आज पूरे दिन ना बादल लगे रहे और बारिश भी काफी हुई, अभी रुकी हुई है। और यहाँ बारिश होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतना होती है कि आप भीग जाएंगे। और डेली होती है भाई साहब, मैं 2 दिन से रुका था, कल भी हुई, रात में हुई, और आज भी हुई, आज तो दिन में बहुत ज्यादा देर तक हुई। और देख सकते हैं अभी भी बादल लगे हुए हैं, ये देखो ये पूरे बादलों से ढके हुए पहाड़ है, ये देख सकते हैं। ये वाला बादल जो है ना, ये भी अभी पूरा ढका हुआ था, लेकिन फिलहाल तो ठीक है और दिख रहा है पूरा, लेकिन इधर के आप व्यू देख सकते हो। और बादलों से जब पहाड़ ढकते हैं ना भाई, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। कभी लाइव आप देखोगे ना बादलों से ढके, आपको लगेगा कि हाँ जन्नत देख रहा हूँ मैं, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ के तो और भी खूबसूरत, क्योंकि एकदम मतलब पेड़ से जो और जगह के जो पहाड़ है ना, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश वगैरह के, तो वहाँ पहाड़ों पे पेड़ है, यहाँ कुछ नहीं है, ये पत्थर वाले पहाड़ है, मजबूत पत्थर वाले। तो यहाँ जो देखेंगे, यहाँ जो एक्सपीरियंस करेंगे ना, कभी ये पहाड़ आपको ब्लैक दिखाई देंगे, कभी ब्राउन पूरा ऐसा करके। जैसे अभी देखिए ये सामने वाला पहाड़ जो है ना, ये ब्राउन टाइप में, उसके पीछे ब्लैक जैसा दिख रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये लोगों को और भी आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो फिलहाल आपको एक ब्रिज दिखाते हैं, ये देखिए
ये ब्रिज है और इस ब्रिज के बगल में ठीक इसके बगल में एक नया ब्रिज बन रहा है ये वाला जिसका जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी बन रहा है और इस ब्रिज को बना और इस ब्रिज को ना और ये जो ब्रिज है ना ये मोटरेबल ब्रिज है इस पे गाड़ी वगैरह भी जा सकती है बल्कि इस पे नहीं जा रही है और ये जो ब्रिज बन रहा है वो लगभग 9.86 करोड़ की लागत से बन रहा है जो कि इंडस रिवर के ऊपर और ये पुराना हैंगिंग ब्रिज है ये मतलब लकड़ियों से है पूरा इस पे गाड़ी वाड़ी ले जाना उतना वो सेफ नहीं रहता फिर भी लोग ले जाते हैं वैसे ले जाने वाले तो अभी हम आ चुके हैं उस ब्रिज पे ये शायद मतलब जो बौद्ध के भगवान होते हैं ना ये शायद वो हैं मुझे इसके बारे में पूरा नहीं पता अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ये लद्दाख में आपको हर जगह दिख जाएगी हर जगह तो ये देख सकते हैं पूरा पुल से मतलब ये जो भी है मुझे नहीं पता बट रिस्पेक्ट करता हूँ इसकी अगर ये भगवान की हो तो और पूरे पुल पे यही है और ये लकड़ी का पुल है और इस पे ना बाइक तो मैंने जाते देखा है और कार वार जो है वैसे वैसे घुमा के कैसे भी लेके आते हैं तो उसके लिए एक नया पुल इधर बनाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा और अभी ये देख सकते हैं इंडस रिवर। अगर आपको मेरे सारे अपडेट्स जानने हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं उसके लिए आप मेरे इंस्टा अकाउंट को जरूर फॉलो करें नीतीश राय 07 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और वहां से फॉलो करें उस पर मैं अपनी सारी अपडेट देता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ जो भी है और अभी थोड़ा सा यहाँ रील्स वगैरह भी बना रहा था आज पहली बार रील्स ट्राई किया मैं ज्यादा रील्स बनाता नहीं हूँ वैसे तो सारा क्रेडिट जिनको जाता है रील्स बनाने का या फिर फोटो जबरदस्ती क्रेडिट नहीं देता हूँ मैं जो देना दे देता हूँ तो चलिए चलते फिलहाल अपने टेंट में क्योंकि हवा चल रही है तेज और ठंड अब ज्यादा लग रही है हमें तो अभी अपने टेंट में चलेंगे और आराम करेंगे। तो भैया अभी हो चुकी है रात और हम अपना डिनर का व्यवस्था कर रहे हैं ये बन रही है हमारी मैगी जो कि रोहित भाई बना रहे हैं और मैगी बनेगी फिर खाएंगे फिर आज रात को सोएंगे और एक वीडियो एडिट तो हो गई है पर उसे अपलोड करना है हमारे पास पावर बैंक ना तीन तीन पड़े हैं चार्ज कोई नहीं है एक तो चार्ज है वो भी तीन तीन क्या बोल सकते उसको ये समझ लो कि 70% के आसपास चार्ज है जो हमारे मेरा और रोहित भाई का फोन एक एक बार फुल कर सकता है हा? मेरा गोप्रो भी है इसका गोप्रो भी है तो भाई वो टेंशन है तो हम इसीलिए रोज बल्ब जलाते थे बट आज बल्ब नहीं जला रहे बस इसीलिए तो कोई नहीं खाना वाना बन रहा है अपना मस्त मैगी वैगी खाएंगे और उसके बाद सोएंगे मस्त और जो वीडियो एडिट हुई है वो कल अपलोड हो जाएगी तो वो कल अपलोड होगी और हाँ वीडियो अपलोड करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है एक सिम है उससे मैं भी अपलोड करता हूँ रोहित भाई की भी वीडियो कल आनी है जो कि वो एक दिन छोड़ के अपलोड करते हैं मैं डेली कर रहता हूँ तो जिसके वजह से थोड़ी दिक्कत है कोई नहीं और कल जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो 3-4 दिन तक वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि रास्ते में ना कोई भी सिम काम नहीं करता चाहे वो प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो एयरटेल जियो बीएसएनएल कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सिम है आपके पास वो काम ही नहीं करता और तो इसी वजह से जो करना है हम आज ही कर लेंगे क्योंकि कल जब हम निकलेंगे एक भी लिफ्ट मिली 30-40 किलोमीटर की तो फिर वो काम करना बंद कर देगा तो चलिए फिर खाते बनाते हैं सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक बेहतरीन जर्नी के साथ।